गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम व्याकरण का पांचवा पाठ पढ़ेंगे। इसका नाम है संज्ञा। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम, नेमिंग वर्ड्स। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है नाम। प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का अर्थ ही होता है नेमिंग वर्ड्स, नाउन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स। तो संज्ञा का अर्थ है नाम। अभी वो किसी प्राणी का हो या वस्तु का हो या स्थान का हो, उससे नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। पेज नंबर 29 ओपन कीजिए, यहाँ पे देखिए। एक गांव था, उसमें माधव नाम का एक किसान रहता था। उसके धान के खेत थे। खेत में चुनमुन चिड़िया रहती थी। चुनमुन ने घोंसला बनाया। उसके दो बच्चे भी थे, मुनमुन और टिनटिन। तो बच्चों देखिए, संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। अभी वो किसी प्राणी का हो या वस्तु का हो, स्थान किसी का भी नाम हो, थिंग्स, पर्सन या प्लेस, तो उसके नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो अभी हमको यहाँ पे देखना है, देखो पेज नंबर 29 पे। गांव, गांव क्या है? स्थान का नाम। तो इसे अंडल, ये जो आपको ब्लू कलर में जो दिए हुए ना, ये सभी संज्ञा है, क्योंकि ये नाम है। किसान इंसान ही है, तो नाम है कि वह किसान है। माधव किसी का नाम है। गांव प्लेस है। धान जो ग्रेन होते हैं, खेत भी स्थान है। चुनमुन एक चिड़िया का नाम है। चिड़िया भी किस प्राणी है, तो किसमें आती है? संज्ञा में, और उसका नाम है चुनमुन। घोंसला, बच्चे, मुनमुन और टिनटिन, ये सब नाम है। तो ये नेमिंग वर्ड है, इसीलिए इसे संज्ञा बोलते हैं। बच्चों आपने रंगीन शब्दों को पहचाना, ये सब नाम है। इस दुनिया में सभी का कोई ना कोई नाम है, यही नाम संज्ञा कहलाता है। तो आपने बच्चों, आपको मालूम हो ही गया है कि यहाँ पे जो ब्लू कलर में दिए थे, ये सभी नाम है, और यही नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा। पेज नंबर 30 ओपन कीजिए। नाम कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पे देखिए। जैसे व्यक्तियों के नाम, जैसे ये लड़का, इसका नाम वासु है, ये नानी है, ये छोटी लड़की, इसका नाम नेहा है। तो ये व्यक्तियों के नाम प्राणी में आ गए। अभी प्राणी में बर्ड्स, एनिमल भी आ जाते हैं, ओके, क्योंकि वो भी लिविंग थिंग है। नेक्स्ट पशु पक्षियों, कीट पतंगों के नाम, ये भी प्राणी में आते हैं। देखिए ये बिल्ली है, तितली है, बतख है, इन सब के नाम आ गए। फिर जगहों के नाम, जैसे कि चिड़ियाघर है, एक जगह है, इंडिया गेट, ये भी एक प्लेस का नाम है। जंगल, वो भी एक स्थान है, प्लेस है। तो आपको मालूम हो गया होगा। और यहाँ पे वस्तु के नाम, देखिए ये घड़ी है, खिलौना है, पलंग। तो संज्ञा प्राणी के नाम, ये सब प्राणी थे, ये भी प्राणी थे, ये जगह थी, और ये वस्तु के नाम थे। घड़ी एक वस्तु है, थिंग्स है, खिलौना एक थिंग्स है, और पलंग, पलंग सोफा जो होता है वो भी एक थिंग है, तो वस्तु है। तो वस्तु के नाम है, ये जगह के नाम है, और ये प्राणी के नाम है। इन सभी नामों को क्या बोलते हैं? संज्ञा। अन्य नाम जो संज्ञा कहलाते हैं, अभी कुछ और नाम भी आएंगे, वो भी संज्ञा है। तो देखिए महीनों के नाम, जो मंथ होते हैं उनके भी नाम होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो महीनों के नाम है, ये भी नाम है। तो ये भी किसमें आते हैं? संज्ञा में ही आएंगे। दिनों के नाम, जैसे सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, वो भी नाम है, दिन के नाम है, तो ये भी संज्ञा में आएंगे। पहाड़ों के नाम, जैसे हिल्स है, हिमालय है, एवरेस्ट है, अरावली, ये सब वर्ण पर्वतमाला है, तो ये भी किसमें आते हैं? संज्ञा में आते हैं, क्योंकि नाम है और पहाड़ है। नदियों के नाम, जैसे नदी है तो वो भी संज्ञा में आएगी, लेकिन इसके नाम भी है, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, सतलुज आदि, ये भी संज्ञा है। इमारतों के नाम, कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला, तो ये सब किस में आते हैं? संज्ञा में ही आते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सभी का कोई ना कोई नाम होता है, तो सभी का कुछ ना कुछ नाम होता ही है। तो जैसे प्राणी, जगह, वस्तु, इन सब के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। नाम कई प्रकार के होते हैं, जैसे पशु पक्षियों के नाम होते हैं, जगह के नाम होते हैं, और दिनों के नाम होते हैं, तो ये सब संज्ञा में आते हैं। पेज नंबर 32 ओपन कीजिए, यहाँ पे देखिए। हम सब की पहचान कैसे होती है? कैसे होती है हम सब की पहचान? अपने नाम से होती है। जैसे आपका नाम शैलेश है, इसका नाम राम है, इसका नाम अमन है, ये लड़की हरिणी है, ऐसे कुछ भी नाम, तो आपकी पहचान कैसे होती है? आपकी नाम से होती है कि हरिणी इधर आओ, ये पढ़ो, तो मैं आपको कैसे बुला सकती हूँ? आपके नाम से। तो पहचान किससे होती है? नाम से होती है। दो प्राणी और दो वस्तु के नाम बताइए। दो प्राणी के नाम बताइए, जैसे आपके क्लासमेट ही है, जैसे कनक हुआ, युवराज हुआ, तो ये दो प्राणियों के नाम है। दो वस्तु के नाम, ये चौक पीस है, ये पेंसिल है, दो वस्तु के नाम हुए। जगह के नाम बता दिए दो, तो जैसे पालनपुर है, महाराष्ट्र है, ऐसे दो जगह के नाम हो गए। अभी आप देखिए यहाँ पे खाली जगहों में सही संज्ञा भरिए। तो ये ब्लैंक्स है, यहाँ पे करेक्ट वर्ड पढ़ना है, फिल करना है हमको। मेरी डेस्क अलमारी में रखी है, तो मेरी क्या हो सकती है? यहाँ पे से हम सही अर्थ है क्या है? किताब। मेरी किताब अलमारी में रखी है।
टीना ने आज दो केले खाए। केले बगीचे में फूल खिले हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। फिर यहाँ पे देखिए संज्ञा शब्द पर गोला लगाइए, तो आपको मालूम हो ही गया कि संज्ञा किसी का नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो तोता आम खा रहा है। तोता क्या है? एक प्राणी है, तो इसे ऑलरेडी सर्किल किया हुआ है। आम क्या है? एक फल है, तो नाम है ना उसका, तो वो भी एक फल है, तो उस पर सर्किल आ गया है। नेहा खेल रही है, नेहा किसी लड़की का नाम है, तो इसे आपको सर्किल करना है। खेलना, खेल रही है, खेल तो क्रिया होता है, तो इसको हम नहीं करेंगे, सिर्फ हमको संज्ञा को करना है। माँ ने चाय बनाई। माँ क्या है? संज्ञा है। चाय क्या है? संज्ञा है। नाम आ गया ना चाय। राहुल छत पर बैठा है। राहुल क्या है? किसी प्राणी का नाम है, और छत क्या है? जगह। पेज, नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 33, 33 नंबर पे दिए गए चित्र में से प्राणी, वस्तु तथा स्थान को चार्टकर उनके नाम लिखिए। यहाँ पे प्राणी, प्राणी इस चित्र को आपको देखना है, इसमें जो प्राणी है उसको यहाँ पे लिखना है, जो वस्तु है उसको वस्तु के नीचे लिखना है, और स्थान को स्थान के नीचे। तो देखिए यहाँ पे आपको कौन से प्राणी दिखाई दे रहा है, तो एक लड़का दिखाई दे रहा है, एक चिड़िया है और बंदर है, तो हमको इसके नीचे लिखना है। आदमी भी लिख सकते हैं। फिर वस्तु कौन कौन सी, तो हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, साइकिल, गाड़ी और गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं। फिर स्थान, तो देखिए बच्चों यहाँ पे विद्यालय है, स्कूल है, और ये मंदिर में लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो मंदिर। और ये कोई शहर है या कोई भी सिटी, गांव है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शहर या गांव लिख सकते हैं। थैंक यू।